एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज साइबर रिच बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, डीएससीपी क्या होता है, इसके ऊपर फॉर्म होते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इस वीडियो का पहला पार्ट मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया था पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो बहुत लोगों को जो डाउट होते हैं वो उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। वैसे ये भी देख सकते हैं, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो का हम लोग करने के हवाले। तो हम करेंगे सबसे पहले स्टैटिक आईपी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, डायनेमिक आईपी क्या होता है, ये प्रोटोकॉल कौन सी होती है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जितने भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डायनेमिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है पेंट, इस पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा क्योंकि मेरे पास और कोई मेरे को अच्छा रास्ता दिखा नहीं कि मैं कैसे समझाऊँ। तो नॉर्मल हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो क्या होता है, मान लीजिए दो हमारे पास ये लैपटॉप हैं जो बॉक्स बनाए हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी मान सकते हैं। और ये मैंने लिखा है डी और ये मैंने लिखा है एस, इसका मतलब है डायनेमिक, इसका मतलब है स्टैटिक। तो सबसे हम लोग देख लेते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस में हमारी आईपी ऑटोमेटिक असाइन होती है बाय द हेल्प ऑफ अवर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम लोग आईएसपी भी बोलते हैं। और स्टैटिक आईपी एड्रेस में हम उसको अपने आप भी असाइन कर सकते हैं ताकि हम अपने पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को अगर मान लो थोड़ा सा भी डाउट है कि यार आईपी वगैरह होता क्या, वैसे होगा नहीं किसी को, तो बस जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना कि आपका घर पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में पहचाना जाता है कि आपका घर ऐसा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में उसका खुद का एड्रेस होता है। ऐसे ही आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपका कंप्यूटर आपके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है कि एक उसके पूरे नेटवर्क में उसकी पहचान होती है उसका आईपी एड्रेस। तो बस ये छोटी सी बात मैंने बता दी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है और यहाँ पे स्टैटिक, यानी हम मैन्युअली इसको डाल सकते हैं अपने हाथों से। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मैं इसको काट देता हूँ और डोंट सेव। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पे आप कमांड डालें ncpa.cpl आपके नेटवर्क पैनल के अंदर जाने के लिए। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और रास्ता होता है यहाँ पे क्लिक करके ऊपर नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये ईथरनेट वाले हमें कुछ यूज़ नहीं है क्योंकि हमने ईथरनेट लगाया नहीं। ये दो मेरे वीएमवेयर वाले हैं और ये लैन, बट हमारा काम यहाँ पे वाईफाई का क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने उसको सबसे पहले अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया जो मैंने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से बनाया है। उसके बाद हम जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देख सकते हैं जल्दी खुलेगा ये, हाँ खुल गया। तो यहाँ पे आएगा हमारा IPv4 और इसकी मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे क्या क्लिक हो रखा है, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पे अभी ये डायनेमिक मेरी आईपी ले रहा है जो भी मेरा आईएसपी इसको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ कर दूंगा यूज़ द फॉलोइंग आईपी, तो यहाँ पे मुझे अपनी खुद की आईपी डालनी पड़ेगी जो मैं चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको एक बार ऑटोमेटिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ मैंने कर दिया ओके। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरी आईपी है क्या इसके अंदर। तो मैं जाऊँगा CMD में एंड यहाँ पर मैं डालूँगा आईपी कन्फिग। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मेरी अभी वाईफाई की आईपी यहां पे आ रही है 192.168.43.51। तो यहां देख लें इसकी आईपी है 43.51। अब मैं चेंज करने वाला हूं और यहां देख सकते हैं नेट अभी मेरा कनेक्टेड है। चेंज करने के लिए हम वापस वहीं जाएंगे अपना और IPv4 पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम करेंगे इसको, अपनी तरफ से कोई आईपी डालेंगे। तो हम यहां क्लास सी की आईपी देने वाले हैं क्योंकि प्राइवेट में क्लास सी की ही यूज़ होती है। तो हम यहाँ करेंगे 192.168. हम अपनी तरफ से देंगे इसको 1.2। सबनेट मास्क ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है क्योंकि क्लास सी का है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ और देता तो सबनेट मास्क ये अलग क्लास का लेता। डिफ़ॉल्ट गेटवे में मैं डालने वाला हूँ इसको मैं डालूंगा 10 की रेंज में, 10.0.0.1। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है मेरे से प्रीफर्ड DNS सर्वर, तो उसके लिए मैं डाल देता हूँ 8.8.8.8 एंड यहाँ पे सिंपल 8.8.4.4। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज शो करेगा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा कुछ ठीक नहीं है, बट हम उसे इग्नोर करके यस कर देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे इसको क्लोज़। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरे लिखने लग गया अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क। और यहाँ पे जब मैं इसको खोलूँगा तो मेरे को पूरा वही नाम दिखेगा। तो मतलब ये नहीं कि हमारा वाईफाई डिसकनेक्ट हो गया। अब हम दोबारा चेक करते हैं हमारी आईपी
सेम कमांड के साथ हम डालेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं वाईफाई की आईपी जो हमने डाली थी यहाँ पे आ चुकी है 192.168.1.2, जो कि मैंने स्टैटिकली डाली है, मतलब मैनुअली अपने हाथों से डाली है, और डिफ़ॉल्ट गेट पे भी वही जो मैंने वहाँ पे डाला था। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि स्टैटिक आईपी और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपका जो भी वाईफाई आपने कनेक्ट कर रखा है आप उसको हमेशा डायनेमिक ही रहने दें, क्योंकि स्टैटिक में कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है लेकिन उसके अंदर नेट नहीं चल पाता। तो वो प्रॉब्लम आपको अगर नहीं झेलनी तो आप इसको हमेशा ऑटोमेटिक पे ही रहने दें। और ये मैंने इसको कर दिया ऑटोमेटिक, उसके बाद मैं कर दूंगा इसको ओके, और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको क्लोज़। उसके बाद ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और वापस से वही वाला नाम आ जाएगा। लेकिन अब बात आ जाती है कि अगर हम पब्लिक आईपी यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमारा सब प्राइवेट था। पब्लिक आईपी मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कैसे चेक करनी है, क्या होती है पब्लिक आईपी, तो अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए। तो यहाँ मैं चेक करता हूँ मेरी पब्लिक आईपी इस वक्त क्या है। अब हम चलाते हैं अपना नेट और इसके अंदर मैं देखता हूँ मेरी आईपी जो आ रही है पब्लिक आईपी वो है मेरी ये, जो मेरे को मेरा आईएसपी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये भी स्टैटिकली चाहिए तो मैं अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको कैसे स्टैटिक कर सकते हैं आप लोग। हम इसको अपने आप नहीं कर सकते, हमें अपने आईएसपी से बोलना पड़ेगा, वो हमें एक हमारी पर्टिकुलर स्टैटिक आईपी दे देगा जो कभी चेंज नहीं होगी हमारी, लेकिन आपको उसके अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो वो मेरी पिछली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ, और जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।